गाजीपुर जिला जो भारत के उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का एक प्राचीन व ऐतिहासिक जिला है। यह जिला वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। गाजीपुर जिला अपने अफीम के कारखानों इसके अलावा इत्र व्यवसाय के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। जिले का प्रशासनिक मुख्यालय गाजीपुर शहर में स्थित है। गाजीपुर जिला बनारस की तरह पौराणिक मान्यता और गंगा घाट की वजह से बनारस की संस्कृत से समानता रखता है, जिससे इस जिले को लहुरी काशी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, गाजीपुर जिले की स्थिति की बात करें तो गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में पवित्र नदी गंगा के किनारे पर बसा हुआ है। गाजीपुर जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से अपनी सीमाएं टच करता है, जिसमें शामिल बलिया जिला, चंदौली जिला, वाराणसी जिला, आजमगढ़ जिला, जौनपुर जिला, इसके अलावा बिहार राज्य की सीमा से सटा हुआ है। पवित्र नदी गंगा के किनारे बसा गाजीपुर शहर राज्य की राजधानी यानी लखनऊ से 343 किलोमीटर, वहीं भारत की राजधानी नई दिल्ली से 871 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, गाजीपुर जिले का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। गाजीपुर शहर की स्थापना तुगलक वंश के शासनकाल में सैयद मसूद गाजी ने की थी। प्राचीन काल में इस स्थान को गांधीपुरी के नाम से जाना जाता था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर जो गाजीपुर जिले का हिस्सा है। इस गांव की खास बात यह है कि हर घर से एक व्यक्ति भारतीय सेना से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा गाजीपुर जिले के अधिकतर युवा भारतीय सेना से जुड़े हुए हैं, जिससे इस जिले की धरती को वीरों की पावन भूमि भी कहा जाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से गाजीपुर जिले में कुल 7 तहसीलें मौजूद हैं। गाजीपुर, मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद, सैयदपुर, जमानिया, खजानिया और सेवराई हैं। जिले में 16 ब्लॉक, 26 पुलिस स्टेशन और कुल गांवों की संख्या 3385 है। दोस्तों, आवागमन के दृष्टिकोण से गाजीपुर जिला रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग तीनों मार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग, गाजीपुर शहर में मौजूद बस अड्डा जहाँ से देश के बड़े बड़े शहरों को नियमित रूप से बसों को संचालित किया जाता है, जिनकी सहायता से यात्री अपनी मंजिल तक आसानी से पहुँचते हैं। रेल मार्ग, गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन जिले का मुख्य रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन पर 5 प्लेटफार्म व 6 ट्रैक मौजूद हैं। यह रेलवे स्टेशन अपने रेलवे नेटवर्क के द्वारा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ जैसे देश के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग, गाजीपुर जिले का अंधमऊ एयरपोर्ट इसके अलावा यहां का सबसे करीबी व सबसे बड़ा एयरपोर्ट व लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी गाजीपुर शहर से 94 किलोमीटर की है। दोस्तों, गाजीपुर जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो आइए दोस्तों, इन खूबसूरत पर्यटन स्थलों से रूबरू करवाते हैं। रामलीला मैदान, यह मैदान शहर के मध्य में स्थित है। यहाँ पर हर साल रामलीला का प्रोग्राम होता है। इसके अलावा जनसभा और प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम इसी मैदान में होते हैं। गंगा घाट, गाजीपुर जिले से होकर पवित्र नदी गंगा जो कि गोमती नदी का संगम करते हुए निकलती है, इसी नदी के किनारे स्थित गंगा घाट जिले का मुख्य घाट है। इसके अलावा दादरी घाट, कलेक्टर घाट, रामेश्वर घाट, सिकंदरपुर घाट जैसे प्रमुख घाट जिले में मौजूद हैं। यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए आते हैं। दोस्तों, गाजीपुर जिले की सर जमी पर कई महान हस्तियों ने जन्म लिया है, जिन्होंने गाजीपुर जिले का नाम पूरे भारत में रोशन किया है, जिसमें शामिल परम चक्र से सम्मानित वीर अब्दुल हमीद, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, भोजपुरी के सुपर स्टार दिनेश लाल यादव जैसी कई महान हस्तियां शामिल हैं। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।